बीएड फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पैदागोजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री पैदागोजी के अंतर्गत पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। सर्वप्रथम हम मिस्र के सभ्यता के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। वो इस प्रकार से मिस्र की सभ्यता का विकास है वो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास था हुआ कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। नील नदी के किनारे अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में हुआ। क्या होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में, पश्चिमी दिशा में। अतः मिस्र की सभ्यता नील नदी के अंतर्गत विकसित होने के कारण इसे हम मिस्र की सभ्यता के नाम से बारे में मिस्र की सभ्यता को नील नदी के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि नील नदी के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में जब बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी है वो कहाँ आती है? मिस्र के अंतर आ जाती है। और मिस्र की सभ्यता को हम इस कारण हम मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि उपजाऊ पन के कारण मिस्र की सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। और वो उपजाऊ पन किस कारण से होता है? नील नदी के कारण होता है। अतः मिस्र की सभ्यता को हम उसके इतिहास को जाने तो मिस्र की सभ्यता को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मिस्र की सभ्यता को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पहला है प्राचीन कालीन राज्य। मिस्र की सभ्यता प्राचीन कालीन राज्य, प्राचीन कालीन राज्य। दूसरा है मध्यकालीन राज्य। तीसरा है नवीन राज्य। इस प्रकार से हम मिस्र की सभ्यता को सबके रूप से तीनों भागों में बांट सकते हैं। प्रथम में प्राचीन कालीन राज्य है, दूसरा मध्यकालीन राज्य है, और तीसरा है नवीन राज्य। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिस्र के राजाओं प्राचीन काल के अंतर्गत मिस्र के राजाओं को क्या माना जाता था? मिस्र के राजाओं को भाग बोला जाता था। मिस्र के राजाओं को क्या बोला जाता था? राजाओं को मिस्र में राजाओं को प्राव कहा जाता था। राजाओं को प्राव की उपाधि दी जाती थी। और राजा ही क्या होता था? सर्वेश्वर होता था। इसके अलावा राजा के बाद में उसके विभिन्न पुरोहित होते थे, विभिन्न मंत्री होते थे, कर्मचारी होते थे, ये सभी राजा के नीचे है वो कार्य करते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत जो प्राचीन काल के अंतर्गत सभ्यता के अंदर विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का आविष्कार हुआ। मिस्र को हम पिरामिडों का देश भी कहते हैं। मिस्र को हम पिरामिडों का देश भी कहते हैं। मिस्र को हम पिरामिडों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पिरामिडों का आविष्कार हुआ, पिरामिडों का निर्माण हुआ। पिरामिड किसी व्यक्ति की याद में बनाए जाते थे, जैसे राजाओं की याद, राजा है, उसके मंत्री हैं, विभिन्न प्रकार के राजा से संबंधित विभिन्न प्रकार के लोगों की मूर्ति होने के बाद में उनकी याद में जो बनाए जाते थे उन्हें पिरामिड कहा जाता था। और इस समय मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत लोगों ने इस प्रकार की तकनीक अपना ली थी कि वे सबको विभिन्न प्रकार के लेप के द्वारा लपेट कर उसे सुरक्षित रखने की तकनीक है वो सर्वप्रथम मिस्र ने अपनाई। और इन गिजा के पिरामिडों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शवों को देखते हुए बताया गया और उनको विभिन्न प्रकार के तेल के माध्यम से मालिश करने उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कपड़ों से लिपट कर उनको रखा जाता था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मम्मी कहते थे। और इस प्रकार से उन शवों को वे रखा करते थे लपेट कर, और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के औषधियाँ से उसके शवों की मालिश करके उनको रखा जाता था, ताकि कई लंबे समय तक वे स्वस्थ रहे वो खराब नहीं होते थे और सुरक्षित रह पाते थे। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अलावा मिस्र के लोग हैं, मिस्र के लोगों ने विभिन्न प्रकार से शल्य चिकित्सा के अंतर्गत भी अपनी महत्वपूर्ण तकनीक को अपनाया और सर्वप्रथम वे एक औषधियों का निर्माण करने लगे, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सा भी होने लगे। इसके साथ में ही वे विभिन्न प्रकार के खेती करते थे, गेहूँ जो चावल आदि की खेती करते थे, जो खाद्यान्न के लिए मुख्य महत्वपूर्ण थी।
इस प्रकार से विश्व के सबों को भूमि के सबों को सुरक्षित सा
साम्राज्य का युग था जब 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व साम्राज्य के रूप में तो वो हमारे सामने विकसित नहीं था। विश्व की सभ्यता पर वर्णन है।